अस्सलाम वालेकुम इंस्टाग्राम के बंदो भैया, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। पिछली वीडियो पे भी ऐसी तबाही मच गई, जब से फेमस हुई ना, लेकिन इतनी दिक्कतें आ गई ना, मुझे पूरा मेला जलने लग गया मुझसे। सबीना तो चलो अपनी है, पर ये अल्लाह हमारी सलमा, इसने तो पूरे मेले में ऐसी अफवाह उड़ाई ना, जा जाके सबसे कह के आ रही नजमा शराब पीने लग गई, नजमा शराब पीने लग गई। पर छोड़ो, मैं ध्यान नहीं देती ऐसे लोगों पे, मैं भाव नहीं देती। अल्लाह सब देख रहा, अल्लाह देख लेगा इसे भी। आज मैं थोड़ी पढ़ी लिखी बात करने जा रही हूँ, वैसे मैं पढ़ी लिखी तो हूं नहीं, पर फिर भी सरकार ने इतने कौशल विकास केंद्र खोल रखे हैं, हमें बच्चे भी जाते हैं उस कौशल विकास केंद्र में, हमने भी अपनी औलाद को भर्ती कर रखा है। पर भैया वहां जाके कुछ हो नहीं रहा है, आज पता चल गया मुझे। अमित शाह वाला कौशल तो वो लोग सिखा ही नहीं रहे, अगला बंदा इंसान को देखते ही खरीद लेता है। मेरी तो बस एक ही दुआ है भैया, अमित शाह जी किसी दिन हमारी शकरकंदी के ठेले पे आए, इनके अब्बू साहिब पूरा ठेला खरीद के ले जाए वो, मेरी तो बस यही दुआ है। मैं तो बिल्कुल समझ सकती हूँ जो महाराष्ट्र में हो रहा है, मेरे साथ भी हो चुका है ना। मैं और सलमा एक दिन रात को बाजार गए, मेरे को एक सूट बड़ा पसंद आ गया, मैं कहा सलमा मेरे को ये सूट चाहिए, पर आज पैसे नहीं है, 3-4 दिन में आके लेके जाऊंगी। तो कह रही है क्या हो गया, आज ही खरीद लो ना, ऐसी भी कितनी कमी हो रही है पैसे की। मैं कहा हाँ अल्लाह हमारी, तुझे तो यही लगता है कि इसके अब्बू तस्करी करते हैं, तस्करी कर रहे होती ना इसके अब्बू, तब तक हम सऊदी पहुंच गए होते, पर हम गए थोड़ी। मैं कहा नहीं, मैं 3-4 दिन में खरीद के लेके जाऊंगी। मैंने अगली सुबह देखा तो सलमा पहन के घूम रही थी उसे, अल्लाह मारी मेरे से पहले खरीद लाई उसे। मुझे कितना बुरा लगा, कितना दर्द हुआ है मेरे कलेजे में, मुझे ही पता है। हमारे लड़के के साथ भी हो चुका है, हमारा लड़का गया था अपने स्कूल में म्यूजिकल चेयर खेलने, ये सलमा का छोटा वाला लड़का उसके पीछे से चेयर खींच के बैठ गया। यही हो रहा है वहां पे भी, ऐसा रोता हुआ आया ना हमारा लड़का, ऐसा खून खोला है मेरा सलमा के लिए, तो अल्लाह सब देख रहा है। लेकिन